नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। फरुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकीसा में बुधवार सुबह बवाल हो गया। धम्म यात्रा लेकर निकले बौद्ध अनुयायियों ने परिक्रमा के बाद स्तूप के ऊपर पंचशील ध्वज फहरा दिया, जिसके बाद सनातन धर्मी ग्रामीण विरोध में आ गए। बता दें कि बुधवार को संकीसा विवादित स्तूप के पास बुद्ध महोत्सव पर 2 दिवसीय बुद्ध महोत्सव का आयोजन चल रहा था। बीते दिन शुरू हुए बुद्ध महोत्सव का बुधवार को दूसरा दिन था। धम्म लोको बुद्ध बिहार संकीसा पर सुबह बौद्ध अनुयायी धम्म यात्रा लेकर धार्मिक स्थल पर पहुंचे, तभी विवादित टीले पर अर्जक तत्व पंचशील झंडा लेकर चढ़ गए और टीले के ऊपर बने बिसारी देवी के मंदिर पर लगा भगवा ध्वज हटाकर पंचशील ध्वज लगा दिया और मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। वहीं ये जानकारी जब सनातन धर्मियों को हुई तो हंगामा शुरू हो गया। साथ ही बिसारी देवी के ऊपर बौद्ध धर्मियों की तरफ से झंडा लगाने से दोनों समुदाय के अनुयायियों के बीच झड़प की स्थिति पैदा हो गई। साथ ही दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया, जिससे भगदड़ भी मच गई। वहीं इस हादसे में कई लोग चोटिल भी हो गए हैं। फरुखाबाद की तस्वीरें। झंडे पर झगड़ा लगातार बढ़ता रहा। आपको बताया गया है कि आज यहाँ पर जो मेला लगता है और बौद्ध धर्म सनातन धर्म दोनों ही लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर सुबह के टाइम पर थोड़ी भीड़ थी और जो टीले के ऊपर जो दोनों का ही आस्था का स्थान है वहाँ पर लेकर कोई विवाद हुआ। उस विवाद के आधार पर दोनों पक्षों में तनातनी हुई और थोड़ी पत्थरबाजी हुई। तुरंत से फोर्स बुलाकर उसको दोनों पक्षों से बात की गई और समझाया गया। तो इसमें एडीएम साहब और एडिशनल चीफ साहब की एक टीम बनाई गई है जो कि जॉइंटली रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर देगी और चुका जाएगी। सर, पुलिस क्या भाप नहीं पाई थी क्या, कितनी भीड़ हो सकती है या परमिशन नहीं थी फिर भी इतने लोग इकट्ठे हो गए? कंटिन्यूसली फोर्स लगा हुआ था और हमने बताया कि जो भी रहेगा उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जो भी जाँच में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई क्या होगी। जो लोग जिन लोगों ने बवाल किया उन पर एक बार ये रिपोर्ट आ जाए हमारे साथ में, उसके बाद उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। एक्चुअल आज यहाँ पर मेला लगता है और पिछले कई वर्षों से मेला लग रहा था, लेकिन इस बार मेले की कोई अनुमति वगैरह नहीं थी इस और संख्या भी उतनी नहीं थी जितनी कि पहले हुआ करती थी। लेकिन अचानक दोनों पक्षों के बीच में कुछ इस तरह की बात हो गई कि जो यहाँ पर जो किला है जिसको पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर है उसमें थोड़ा कुछ नुकसान किया गया और जिसके फलस्वरूप थोड़ा तनाव हुआ, कुछ पत्थर वगैरह भी चले। फिलहाल सब ठीक कर गया है, दोनों पक्ष निकल गए हैं। जो फहराने को लेकर विवाद हो गया। आगरा में सहकारी समितियों पर डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं अब किसान आलू की बुआई के लिए डीएपी खाद लेने के लिए सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं अब खाद न मिलने से नाराज किसानों ने खाद न मिलने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खाद न मिलने से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सहकारी समितियों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें जब तक खाद नहीं मिलता तब तक हम लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे, चक्का जाम कर देंगे, आगे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम संख्या में किसान यहां परेशान नजर आए। दरअसल उनका कहना है कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। लगातार वो चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो सहकारी समितियों के लगातार चक्कर लगाते किसान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम बीते कुछ दिनों से लगातार सहकारी समितियों के पास पहुंच रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आलू की बुआई नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आगरा में मेडिकल स्टोर संचालक के घर में घुसकर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय ये वारदात हुई उस वक्त घर में सभी लोग सो रहे थे। वहीं मौके का फायदा उठाकर इस दौरान चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी होते ही घर में मौजूदा लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो आगरा में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लाखों की चोरी को अंजाम देकर चोर फरार बताए जा रहे हैं।
तो मेडिकल स्टोर संचालक के घर में चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। लाखों का सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं आगरा में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है, जहां सीएचसी में तैनात फार्मिस्ट पर मरीजों के तीमारदारों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का आरोप है कि ये फार्मासिस्ट तीमारदारों को कमीशन खोरी के चलते बाहर के मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए भेज देते हैं, और अगर कोई वहां से दवाइयां नहीं लेता है तो उसे दबंगई दिखाते हैं। वहीं कर्मचारियों की इस मनमानी को देखते हुए परिजनों ने फार्मासिस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगरा की तस्वीरें, फार्मासिस्ट पर तीमारदारों का गंभीर आरोप, कमीशन खोरी करने का यह आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बाहर से दवा लिखते हैं और अगर वहां से दवा नहीं लेते तीमारदार तो फिर ये दबंगई दिखाते हैं, जबरन उनसे पैसे भी वसूले जाते हैं। तो आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फार्मासिस्ट पर तीमारदार गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कमीशन खोरी है, जिसकी वजह से बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं और अगर उस स्टोर से दवाइयां नहीं खरीदते तो फिर ये जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दबंगई दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। इसकी शिकायत इस बार पुलिस प्रशासन से की गई है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहा है। अमेठी में पुलिस ने अंतरजनपदीय 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरों से 5 लाख से ज्यादा के जेवर समेत 4 तमंचे भी बरामद किए हैं। बता दें कि गिरफ्तार सभी शातिर चोरों पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और ये लूट चोरी जैसी 11 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अमेठी में पुलिस के हाथ लगे ये चोर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 5 शातिर चोर बताए जा रहे हैं। इनके पास से लाखों का सामान और तमंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछली 11 चोरी की वारदातों में ये चोर संलिप्त थे। इनकी तलाश पिछले कई दिनों से करी जा रही थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं। इनके पास से लाखों के जेवरात और 4 तमंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। 5 शातिर चोर हैं जो लगातार जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 11 चोरी की घटनाएं में संलिप्त हैं और लगातार इनकी तलाश की जा रही थी, आखिरकार इन्हें धर दबोचा गया। तो अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 5 लाख के जेवरात और कई तमंचे बरामद किए हैं। बाराबंकी में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां दबंगों ने एक युवक का गला रेतने की कोशिश की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाराबंकी का ये पूरा मामला, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है, युवक का गला रेतने की कोशिश की गई और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी में भी एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि युवक का गला रेतने के पीछे की वजह क्या है, ये साफ नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दबंगों की दबंगई आए दिन बाराबंकी में सामने आती रहती है। तो फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बाराबंकी की तस्वीरें, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाराबंकी में किस कदर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। दबंग खुलेआम घूमते हुए नजर आते हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दबंग जो हैं खुलेआम घूमते हुए एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। गोंडा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 70,000 की लूट को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपियों ने पैसा जमा करने जा रहे युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। गोंडा का यह पूरा मामला, दिन दिहाड़े 70,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाश ने युवक से लूट की है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन
ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बदमाश हैं उनमें जरा भी खौफ पुलिस का नहीं है। दिन दिहाड़े 70,000 की लूट युवक से बाइक सवार बदमाशों ने की, आसानी से फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। आसपास क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की लूट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उतना सतर्क नजर नहीं आता। तो गोंडा में दिन दिहाड़े 70,000 की लूट को अंजाम दिया गया है। कुछ बाइक सवार आते हैं, युवक से पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। गोंडा में न्यूज वॉल इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए घूसखोर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया। बता दें कि घूसखोर लेखपाल के खिलाफ पहले सस्पेंस हुआ था और अब उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। बता दें कि आरोपी लेखपाल ने पीड़ित से 90,000 की घूस ली थी। वहीं इस मामले का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो सीएम आवास के सामने आत्मदाह का मामला, घूसखोर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल न्यूज वॉल इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आखिरकार न्यूज वॉल इंडिया की खबर दिखाने का असर भी हुआ है। सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने वाले शख्स ने जो आरोप लगाया था घूसखोर लेखपाल पर, उसके खिलाफ मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। हालांकि सस्पेंस पहले बना हुआ था, लेकिन अब इस पूरे मामले से पर्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोंडा का ये पूरा मामला, जहां पर न्यूज वॉल इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, यहां सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने के मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए घूसखोर लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि घूसखोर लेखपाल के खिलाफ पहले सस्पेंस बना हुआ और अब उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। बता दें कि आरोपी लेखपाल ने पीड़ित से 90,000 की घूस ली थी। वहीं इस मामले का वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ था और आखिरकार न्यूज वॉल इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया जा रहा है। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया है। बता दें कि रविवार को एक सिपाही के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसे चंडीगढ़ से ढूंढ निकाला गया। वहीं अपहरणकर्ताओं ने सिपाही से 5 लाख की फिरौती की भी मांग की थी। मामले की जानकारी के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में थी, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया है। हमीरपुर का यह पूरा मामला, आपको बता दें कि मासूम बच्चा, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इसका अपहरण हुआ था, चंडीगढ़ से इसे ढूंढ लिया गया है। हमीरपुर में सड़क पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक गाय और उसके बच्चे को रौंद दिया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक कार सवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने एक गाय को रौंद दिया। हालांकि जो दूसरा कार सवार था वो मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो हमीरपुर से इस तरह की घटनाएं रोजाना सामने आती हैं। यहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। तेज रफ्तार कार ने गाय को रौंद दिया। हाथरस में लूट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं एक बार फिर यहां सड़क चलते व्यक्ति से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है एक मंडी के कमीशन एजेंट से 3 बाइक सवारों ने लूट की और मौके से फरार हो गए। वही लूट की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हाथरस का ये पूरा मामला, जहां पर लूट की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और मौके से लुटेरे फरार हो गए। तो हाथरस में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस काफी ज्यादा परेशान है। वहीं एक बार फिर यहां सड़क चलते व्यक्ति से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि मंडी के कमीशन एजेंट से 3 बाइक सवारों ने लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
लखीमपुर में हुई लगातार बारिश से बाढ़ जैसे मंजर दिखाई देने लगे हैं। बता दें कि यहाँ हुई तेज बारिश से जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं, साथ ही कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। वहीं बनबसा बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण यहाँ शारदा नदी उफान पर दिखाई दे रही है, जिससे तराई का इलाका बाढ़ग्रस्त हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसा मंजर है, बाढ़ की जद में सैकड़ों गांव बताए जा रहे हैं। कहां सड़कें हैं और कहां पर घर हुआ करते थे, पहचान पाना मुश्किल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगर कोतवाली के बेलहा देवी पुल के पास शराब गोदाम के मैनेजर अनिल मिश्रा से बदमाशों ने लगभग 8 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस लूट को 6 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया है। फिलहाल मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमीरपुर में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बाइक सवार 2 सगे भाइयों को ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में एक भाई की मौके पर ही जान चली गई, वहीं दूसरा बाल बाल बच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 सगे भाई घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, एक की हालत बेहद गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ सोसाइटी में एक घर में घुसकर कुछ लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं विरोध करने पर एक युवती की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई और घर में रखा सारा सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस चोरी का खुलासा कर दिया है और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह रही कि इस वारदात को अंजाम किसी लुटेरे ने नहीं बल्कि मृत महिला के भाई और भाभी ने ही दिया है। लूट करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। फिलहाल अभी मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला, जहां पर महिला की हत्या से सनसनी फैली हुई है, भाई और भाभी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। ईद मिलाद उल नबी के मौके पर बुधवार को जुलूस के दौरान नोएडा के सेक्टर 8 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अब आपको इसे लेकर जानकारी दे दें कि पुलिस में इसकी शिकायत कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच कराई, जिसमें वीडियो सही पाया गया है। बता दें कि वीडियो में पाया गया है कि जुलूस के दौरान लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कि इसी बीच पाकिस्तान जिंदाबाद भी सुनने को मिला है। वहीं अब इसको लेकर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 8 का एक पूरा मामला, जहां पर जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते कुछ लोग सुनाई दे सकते हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सेक्टर 20 थाना में 12 वफात का एक जुलूस आयोजन हुआ था। उस आयोजन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हुए एक वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो को पुलिस द्वारा विश्लेषण किया गया है और एक एक्सपर्ट को भी दिखाया गया और उनका सलाह लेने के बाद प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना सही प्रतीत हो रहा है। यूपी में हुई बारिश ने कई जिलों में भारी मुश्किल खड़ी कर दी है।
यहां कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बाराबंकी जिले में एक बार फिर सरयू नदी की बाढ़ से तबाही की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मंगलवार को नेपाल के शारदा बैराज बनबसा से 5.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ने से नदी के जलस्तर में उफान आ गया है, जिसको लेकर तराई क्षेत्र के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाराबंकी की तस्वीरें, लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं। प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। ये अतिवृष्टि जो ऊपर पहाड़ों की तरफ हुई है, उससे काफी मात्रा में जल छोड़ा गया है और वहाँ बाढ़ खंड द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं, हम सभी लोग हाई अलर्ट पर हैं। पानी की मात्रा काफ़ी है और वो जो तटीय क्षेत्र हैं आगरा में, इसमें रात तक पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाने की संभावना है। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो सब ऊंचे स्थान पर आ जाएं, बंधे पर आ जाएं, सड़क पर आ जाएं और वहाँ पर रात में न रहें, क्योंकि पानी की मात्रा जिस हिसाब से खबरें हैं उस हिसाब से यहाँ पर बाराबंकी में शाम के बाद रात तक पानी बढ़ने की काफ़ी संभावना है। कल जो है हम लोगों का पुलिस द्वारा बासुकीर भाई मैक से कि जल बहुत तेज छूटा है, तो गांव से बाहर निकल लो बंधा के ऊपर हन, तब से अभी तक जो है जुग्गी सुग्गी बन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। प्रशासन के द्वारा खाने पीने कोई इंतजाम अभी कोई नहीं। कानपुर देहात में दबंगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि यहां दबंगों ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि उसकी थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक के चौधरी ने थानाध्यक्ष सिकंदरा को निर्देश देते हुए जल्द कार्रवाई करने को कहा है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि थानाध्यक्ष सिकंदरा ने मुझे थाने बुलाकर गाली गलौज करते हुए धमकी दे डाली, जिससे आहत होकर पीड़ित युवक ने क्षेत्राधिकारी से थानाध्यक्ष से शिकायत की। वहीं क्षेत्राधिकारी ने न्याय का आश्वासन दे दिया है। ये मामला सुजीत और टिंकू का था, 2 तारीख को जो झगड़ा हुआ था उस संबंध में मुकदमे की प्रति लेने जो SHO साहब के यहाँ गए थे, तो उन्होंने गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली गलौज कर थाने से भगा दिया। उसके बाद इनको जो है अज्ञात लोगों के द्वारा इनका पीछा किया गया। इस संबंध में जानकारी जो हमें टिंकू जी ने हमको दी, तो हम अपनी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम लेकर माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय के पास आए और उनको इस पूरी घटना से अवगत कराया। हमारा मामला ये है कि हमने 2 तारीख में हमारे झगड़ा हुआ था ग्राम प्रधान जमौरा के बबलू से, तो ये सभी लोग एकत्रित होकर के हमारे साथ मारपीट की थी। उसका मामला हमने थाने में दिया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, कप्तान साहब के यहाँ दिया, उसमें कप्तान साहब ने आदेश किया, वो कापी हम लेकर के आए थाने, उसमें भी कोई इन्होंने सुनवाई नहीं। दोबारा वो कापी हम लेकर के थाने से कप्तान साहब के यहाँ गए, तो कप्तान साहब ने फिर उस कापी पर दोबारा से आदेश किया कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। फिर उन्होंने मुझे डेट कल के दिन मुझे 18 तारीख में बुलाया फ़ोन करके, तो मैं आया, इन्होंने हमसे साइन करवाए, फ़ोन नंबर लिखवाया। इसके बाद हमने पूछा कि साहब हमारा मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, तो ये बोले कि हाँ हो जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।